हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। तो वहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद हरियाणा न्यूज ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की। क्या कुछ इस बातचीत में कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, अभी बैठक खत्म हुई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, क्या कुछ रहा आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ बैठक में रहा, रथ यात्रा का क्या कार्यक्रम है, आगे की मीटिंग और रणनीति किस प्रकार से तैयार की गई? देखिए, ये फैसला लिया गया कि 5 दिन की एक जॉइंट यात्रा सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी नियुक्त की गई है हुड्डा साहब के चेयरमैनशिप में, ताकि लोगों में एक हम एकता का संदेश भी दें और एक सकारात्मक विकल्प लोगों के सामने पेश करें। जो भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की हरियाणा सरकार है उसके कुशासन से, ताकि मुक्ति का रास्ता लोगों को कांग्रेस पार्टी दे। इस एकता के संदेश में यह भी संदेश होगा कि अब कांग्रेस भी एक है, एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ऐसे सवाल उठते रहे हैं, एक मंच पर रहेंगे, एक बस में आप लोग तमाम लोग बिल्कुल एक मंच पर रहेंगे और पूरे एकजुटता के साथ हम ये चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। एकजुटता से चुनाव लड़ने को लेकर के कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है 26 तारीख से लेकर के, और ये रथ यात्रा 5 दिन तक चलेगी और इसमें सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से जहां एकता का संदेश होगा, तो वहीं लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सके इसको लेकर के यह संदेश देने के लिए कांग्रेस अब बिगुल फूंकती नजर आ रही है। दिल्ली से कैमरामैन मुकेश के साथ जितेंद्र चौधरी, हरियाणा न्यूज़।